नॉलेज और मैं नंदिनी लेकर आई हूँ क्रक्स एनालिसिस, जहाँ पर आज हम बात करेंगे Y2K क्रक्स के बारे में और इसे हम 5 एस्पेक्ट्स में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो न्यूज़ है या Y2K है वो क्यों हमारे न्यूज़ में अभी करंट में बना हुआ है। सेकंड, हम इसकी मीनिंग को जानेंगे। थर्ड, हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्या है। फोर्थ, हम इसके इफेक्ट्स पर चर्चा करेंगे और इफेक्ट्स भी हम 2 टर्म्स में देखेंगे। पहला, इसे हम ग्लोबली देखेंगे और साथ में इंडिया के लेवल पर इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इसने इफेक्ट्स डाले, इसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ, हम देखेंगे कि अब इसके बाद क्या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी और इससे उबरने के लिए क्या क्या एफर्ट्स इसमें डाले गए हैं, हम सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो हमारा एरिया है वो है कि ये करंट में क्यों बना हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 मई को देश के नाम संबोधन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को COVID-19 के चलते हुए कुछ राहत पैकेज, आर्थिक पैकेज देने की बात की गई, जहां पर आत्मनिर्भरता, भारत की आत्मनिर्भरता की बात की गई और वहीं पर उन्होंने एक टर्म Y2K का यूज़ किया और उस टर्म को यूज़ करते हुए उन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिकॉल किया। तभी से ये न्यूज़ हमारे करंट में बनी हुई है और इस न्यूज़ को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले Y2K को जानना जरूरी है। आखिर ये क्या था, ये प्रॉब्लम क्या थी और इसका हमारे इंजीनियर्स से क्या संबंध रहा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे Y2K बग के मीनिंग के बारे में। यहाँ पर अर्ली 90s में आए हुए इस बग को ईयर 2000 बग के नाम से तथा इसे मिलेनियम बग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर Y रेफर्स टू ईयर, Y यहाँ पर हमें साल को दर्शाएगा, 2 एक डिजिट की तरह काम करेगा और K यहाँ पर 1000 को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से ये हमारा बग जो कहलाता है ईयर 2000 बग कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कैसे डिजाइन किए हुए थे, उनकी जो डेट थी वो 2 डिजिट पर बेस्ड थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर में कुछ कोडिंग होती है, उसकी मदरबोर्ड में जो कुछ कोडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है, उसके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो हम यदि 1990 की बात करें तो तब 2 डिजिट के जो सन था, जो ईयर था, उसे 2 डिजिट में लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था, उस समय पर मेमोरी को सेव करने के लिए, मेमोरी स्पेस को बचाने के लिए उसे 2 डिजिट में लिखा जाता था। अब उस समय 2 डिजिट की मेमोरी को बचाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, इससे उस मशीनरी की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती थी, साथ ही साथ उसका कॉस्ट भी कम होता था। तो हम बात करें 1990 की, तो जैसे कि यदि कोई सन था 1998 की हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो उस समय पर जो ईयर था उसे हम कैसे लिखते थे, 98 लिखेंगे, ना कि हम उसे कैसे लिखते 1998। क्यों लिखते थे हम कंप्यूटर की कोडिंग में, ताकि जो मेमोरी है वो सेव हो सके, साथ ही जहां पर जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट थे 19, उसे एज अ प्रीफिक्स रखा जाता था, पहले से वो कांस्टेंट रहता था, चेंज क्या होता था, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट होती, जैसे अब 198 था वो चेंज होकर क्या बन जाता, 99, और 19 जो था वो वहां पर सेव रहता, पहले से प्रीफिक्स की तरह काम कर देता। अब दिक्कत ये आई कि 1999 के बाद लास्ट की 2 डिजिट तो चेंज हो जाती, 00 हो जाती, लेकिन जो फर्स्ट की 2 डिजिट थी जो एज अ प्रीफिक्स काम कर रही थी वो चेंज नहीं होती, वो 19 ही बनी रहती। तो 1999 के बाद 2000 ना आकर क्या बन जाता, वहाँ पर जो कंप्यूटर था वो क्या इंटरप्रिटेट करता, उसे 1900 इंटरप्रिटेट करता। तो यहीं से पूरी दिक्कत स्टार्ट हुई और इसे ही Y2K बग कहा गया, कि हम 20वीं से 21वीं शताब्दी में प्रवेश ना करके हम फिर से उसी शताब्दी में रहने वाले थे, 100 साल पीछे रहने वाले थे। करेक्ट है, तो यही दिक्कत यहां पर स्टार्ट हुई, जिसे ही Y2K बग कहा गया। अब इसकी वजह से कई बज स्टार्ट हो गया, लोगों में कई तरीके का फियर हो गया, इनकरेक्ट डेट थी और इसे ही मिलेनियम बग का नाम दिया गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ।
अभी यदि हम बात करें तो ये एक सिली मिस्टेक लग रही है देखने में, कि बहुत सिली सी चीज है कि भाई 1999 से 2000 नहीं हो पा रहा, ये तो इतनी छोटी सी मिस्टेक है, इससे क्या इतना बड़ा बूम हुआ, इससे इतने बड़े क्या इफेक्ट हुए। नहीं, ये देखने में छोटी सी मिस्टेक लगती है लेकिन इसके इफेक्ट बहुत ही भयानक होने वाले थे। कैसे, आप खुद सोचिए, जितनी भी कंप्यूटर पर जो हमारी डेट बेस, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, बैंक होंगे, यूटिलिटीज, जो भी प्रोग्राम है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, उनके सारे डेटा यहाँ पर कोलैप्स होने वाले थे, क्योंकि वो किस पर काम कर रहे हैं, डेट बेस्ड है, क्लॉक बेस्ड है। तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला था बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आदि पर। बैंक से आप देखिए कैसे हो सकता था कि सपोज बैंक में जितने भी इंटरेस्ट होते, कहीं वो 100 साल पीछे का इंटरेस्ट ले लेता, या किसी व्यक्ति को पैसे देने होते बैंक के, तो उसका इंटरेस्ट बढ़कर दे दिया जाता। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, सारे रिकॉर्ड्स होने खत्म होने वाले थे, सेंसेक्स, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस थे, उन सब का डेटा यहाँ पर कोलैप्स हो सकता था। तो ये तो बात हो गई कि डायरेक्टली कंप्यूटर्स जो हैं इन पर बेस्ड थे। अब कुछ ऐसे एरियाज भी थे जहां पर डायरेक्टली कंप्यूटर का यूज ना करके माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था, छोटी छोटी कोडिंग की जाती थी हमारे डेली लाइफ के रूटीन में। जैसे कि हम बात करें, हमारे लिफ्ट्स हुई, एलिवेटर्स हुए, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, कुछ कमर्शियल प्रॉब्लम्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते थे, और जो किस पर काम करते थे, क्लॉक बेस्ड थे, डेट बेस्ड थे। तो इससे भी इनका क्या हो जाता, पूरा डेटा का डेटा पूरा कोलैप्स होने की यहाँ पर दिक्कत थी। इसके अलावा यदि हम बात करें, जितने भी साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशंस थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, वो सारे के सारे यहाँ पर कोलैप्स होने की संभावना थी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे, क्लॉक बेस्ड थे, सारे के सारे ही सेटेलाइज्ड बेस्ड थे, और इनके टाइम में यदि कुछ भी चेंज होता, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट की कब किसी किसी डोर को ओपन करना है, कौन सी बटन को कब प्रेस करना है, कब कूलिंग एजेंट को डालना है, तो ये सारे के सारे काम किस पर थे, टाइम पर बेस्ड थे। और ये डेट क्या हो जाती, यदि चेंज हो जाती, 100 साल पीछे हो जाते, तो सारे के सारे ही यहाँ पर जो काम थे वो रुक सकते थे, भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता था। और ऐसा माना जाता है उस समय पर कि यदि ये कोलैप्स हो जाता Y2K के बग की वजह से, तो 15 पावर प्लांट हैं वो शट डाउन हो जाते। तो इसलिए ये बहुत देखने में सिली है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जनरेट करने में सक्षम था उस समय। और बज इतना ज्यादा था इस न्यूज का कि, या इस प्रॉब्लम का हम बोलें, कि उस समय की बड़ी से बड़ी मैगजीन, न्यूज़पेपर और आर्टिकल इस पर लिखे जाने लगे, और एक बड़ी न्यूज़ मैगजीन ने भी अपने कवर पेज में इसे जगह दी, और कहा गया, ऐसी र्यूमर्स हुई कि क्या अब पृथ्वी बचेगी 2000 तक, 1 जनवरी 2000 पृथ्वी पर होगा या नहीं, या पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके का डर था, भय था, और यहाँ पर एक बज जनरेट हुआ था इस न्यूज़ को, इतना हाई को समय मिला था। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, यूएस के जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जी थे, उन्होंने अक्टूबर 1998 को एक एक्ट पर साइन किया, जिसे नाम दिया गया 2000 इंफॉर्मेशन एंड रेडीनेस डिस्क्लोजर एक्ट। ये Y2K के क्राइसिस को लेकर यहाँ पर इस एक्ट को बनाया गया था, ताकि फ्यूचर में यदि कोई इससे होने वाली दिक्कत को लेकर क्लेम करे, तो यहाँ से उसको एज अ प्रिकॉशनरी हम यहाँ पर एक्ट को दिखा सकते थे। साथ ही साथ यदि हम देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपनी आर्म फोर्सेस को प्रिपेयर कर लिया था कि भाई ऐसा टाइम हो सकता है या आ सकता है कि आपको आपकी सेवाएं यहाँ पर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी पड़े, इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर, एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यदि फेल हो गया, लोकल यूटिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पर फोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी आर्म फोर्सेज को प्रिपेयर कर लिया था। वहीं यदि हम बात करें यूएन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उसने अपनी 1998 की 1998 की अपनी बैठक में, अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में,
Y2K के क्राइसिस को लेकर वॉशिंगटन डीसी में, क्या वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल Y2K के कोऑपरेशन सेंटर का यहाँ पर स्थापना की, उसका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया गया। क्यों किया गया? ताकि वो इस क्राइसिस से के लिए जो भी मैनेजमेंट एफर्ट्स यहाँ पर लगाए जाने वाले थे, कैसे क्या होगा, तो वहाँ पर देशों को उसके संदर्भ में जानकारी दी गई और उन्हें यहाँ पर निर्देशित किया गया कि कैसे इस क्राइसिस से हमें ओवरकम करना हो। ऐसा उस समय एस्टिमेट था, अनुमान लगाया जा रहा था कि अप्रोक्सीमेट $300 बिलियन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खर्च किए गए थे। और इस $300 बिलियन में भी अमेरिका जो था, यूएस जो था, उसका आधा समझिए कि पैसा अमेरिका का लगा हुआ था, उसने इस पर खर्च किया था। तो इस तरीके से कई यहाँ पर प्रोसेस चलती रही, कई कंपनीज भी इसके लिए काम करते रहे, कई इंजीनियर्स यहाँ पर दिन रात अपनी मेहनत करते रहे, और फिर लास्ट में ऐसा कोड ढूंढ लिया गया कि ताकि इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें इंडिया की क्या भूमिका रही। तो जो इंडियन एफर्ट्स थे, तो उस इंडियन एफर्ट्स में हम सबसे पहले यदि एक कंपनी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर IIS इन्फोटेक की यहाँ पर बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस समय जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसे हम कैसे संभालें, उसको सही करने के लिए, उसकी कोडिंग और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कई ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कई ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत होगी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कोडिंग करें। तो उन्होंने फिर इंडिया का रुख किया, वहां पर उन्हें अपने लिए कई ह्यूमन रिसोर्सेज प्राप्त हुए, सस्ते, जिन्हें कम पैसा देना पड़े और उनका काम आसानी से हो जाए, ऐसे हुनरमंद यहाँ पर इंजीनियर्स उन्हें मिले। तो IIS इन्फोटेक ने उस समय की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी यूएस की, जैसे कि सिटी बैंक हुआ, साथ ही साथ अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ, GE हुई और प्रोटेंशियल जैसी कंपनीज ने अब 20वीं से 21वीं सदी में प्रवेश करने के लिए अपना जो प्रोजेक्ट था, अपने कंप्यूटर नेटवर्क को सुधारने का जो काम था, वो IIS इन्फोटेक को दिया। और IIS इन्फोटेक ने, या हम बोले हमारे इंजीनियर्स ने भी, उन्हें निराश नहीं किया और उनका काम पूरा करके उन्हें दिया। उस समय तक भारत में कई कंपनीज, आईटी कंपनीज डेवलप हो रही थी, अपने शुरुआती चरण में थी, उनमें इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां थी, वो भी आईटी के क्षेत्र में अपना नाम कर रही थी। और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने आउटसोर्स के लिए हमारे देश की आईटी कंपनीज को प्रेफर करने लगी, और इस तरीके से आईटी सेक्टर में इंडिया में बहुत बूम आया। करेक्ट है। और सारी की सारी जो Y2K क्राइसिस को लेकर जो प्रॉब्लम थी, वो इंडियन इंजीनियर्स और वर्ल्ड के, ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी इंजीनियर्स थे, उन्होंने मिलकर कोडिंग को रिप्लेस कर इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट, अब क्या फ्यूचर में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, Y2K को लेकर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी? तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, या हम कहें नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी है इस तरीके की प्रॉब्लम को आने के लिए। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 2038 में शायद ऐसा हो जाए 32-bit यूनिक्स प्रोसेसर की वजह से, कि जो 2000 का जो बग था उसकी तरह यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं, ये हम बोलेंगे कि अब चूंकि बहुत एडवांसमेंट आ गया है, बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, और 32-bit प्रोसेसर की जगह अब मार्केट में 64-bit प्रोसेसर ने ले ली, और अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 60% 32-bit प्रोसेसर मार्केट में रिप्लेस कर लिए गए हैं 64-bit प्रोसेसर ने, और आने वाले सालों में बाकी बचे हुए जो 32-bit वाले कंप्यूटर्स हैं उन्हें 64-bit वाले कंप्यूटर्स रिप्लेस कर लेंगे। तो ऐसे चांसेस बिल्कुल बहुत ही कम है कि हमें Y2K जैसी क्राइसिस फ्यूचर में देखने को मिले।
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बने रहें ज्ञानधारा के साथ।